वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज हमारा जो व्लॉग है टेक्सला शहर के बारे में, हमने आपको प्रीवियस 7 से 8 वीडियोस दिखाई हैं, मुख्तलिफ हेरिटेज जो थे वो सारे आपको ब्रीफली डिस्कवर किए हैं। एक और टेक्सला का एक व्यू पॉइंट है जो बहुत कम से लोगों को पता है, ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में इलम नहीं है, और वो मौजूद भी जो है वो मेन GT रोड के ऊपर है। जब आप पेशावर से पिंडी जा रहे होते हैं तो मरगला का जहाँ से पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, जहाँ से रोड गुजरता है, बिल्कुल रोड के ऊपर आपने शायद देखा हो एक टावर है, शायद आपकी नज़र पड़ी होगी। तो आज बेसिकली हम उस टावर को डिस्कवर करने जा रहे हैं, तो उसकी जो तरीक है वो आपको बताएंगे। तो अभी इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे टेक्सला बाईपास है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो चलें दिखाते हैं आपको आज का ब्लॉग। हम काफ़ी करीब आ चुके हैं निकलसन टावर के, रोड पर शायद आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ से ही टेक्सला के इसी पॉइंट से ही मरगला पहाड़ी सिलसिले का शुरुआत होती है। आप तो व्यूवर्स, ये है वो पॉइंट जहाँ आपको मेरे पीछे जो GT रोड आता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको बोला जाता है। तो पहले ये जो था पत्थरों का रास्ता था, इतना बड़ा रास्ता नहीं था और छोटा सा एक शाहराह गुजरती थी। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दाएं जानी और बाएं जानी दोनों तरफ ये पहाड़ हैं, ये मरगला का पहाड़ी सिलसिला जो यहाँ से होता हुआ आगे एबटाबाद लथिया गली तक जाता है। तो इस ये रास्ता जो है इस पहाड़ों को जुदा करके यहाँ पर एक ट्रैक बनाया गया। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं टावर, ये निकलसन टावर के नाम से जाना जाता है, जिसका भी हम आपको करीब से जाकर भी दिखाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो सिपाही वगैरह मौजूद होते थे, इस टावर का मकसद ये था कि यहाँ पर वो चढ़कर देखते थे जो काफ़िले वगैरह आ रहे हैं, उसके अंदर सीढ़ियाँ वगैरह दी गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे इस राइट साइड पर ये दफ्तर नुमा चीज़ बनी हुई है। तो ये यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी का जो जनरल ब्रिगेडियर था निकलसन रॉन्ग, तो ये यहाँ पर उसका दफ्तर था, दफ्तरी निज़ाम वगैरह जो थे यहाँ के सारे इस जगह पर संभाले जाते थे। तो ये इसकी जो तारीख है वो तकरीबन 19वीं सदी की है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आप टावर सा काफ़ी हाइट पर है, तो हमारे जो अपोजिट साइड है वहाँ से उसका रास्ता तो जाता था नज़दीक से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त बड़ा खूबसूरत सा रास्ता ऊपर जा रहा है, और पीछे आपको नज़र आ रहा होगा इसको निकलसन टावर भी बोला जाता है और निकलसन कॉलम भी बोला जाता है। यही वो कॉलम है जिस पर फौजी जवान खड़े होकर उस वक्त में देखकर बताते थे, क्योंकि काफ़िले वगैरह की खबर देने के लिए जो जनरल ब्रिगेडियर यहाँ पर था उसको इन्फॉर्म करते थे। तो एक्चुअली ये एक पहाड़ के ऊपर मौजूद है, मरगला का ही ये पहाड़ी सिलसिला है। और इसके अगर रास्ते की बात की जाए तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर सीधा चला जाऊँ तो सीधा GT रोड पर मैं जाकर आपको टच करूँगा। और सेम इसी तरह यहाँ से ये रास्ता पहाड़ी के साथ बिल्कुल गोल घूम कर बैक साइड सर इसका एक रास्ता निकल आता है, ठीक है। और ये जो रास्ता है ये उसी तरह पुराने वक़्त का जिस तरह पत्थरों का रास्ता बनाया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों का ये रास्ता है। अब तो चलते हैं अब कॉलम के नज़दीक और नज़दीक से आपको दिखाते हैं ये किस तरह से इसकी तमीर की गई। और चलो वीडियो, तो व्यूवर्स काफ़ी हाइटेड है ये भी, आप तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सारा रास्ता कच्चा नहीं है। जिस तरह इसकी पिछली सड़क तमीर की गई है सेम उसी तरह ये भी सीढ़ियों पत्थरों से बनी हुई सीढ़ियाँ, सीढ़ियों की जो ऊंचाई है वो ऑलमोस्ट 7 से 8 इंच की है, और जो एक स्टेप है वो तकरीबन 3 से 4 फुट लंबा है। तो चलते हैं ऊपर, अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कोई 200-300 सीढ़ी होगी।
तो व्यूवर्स, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये निकलसन टावर है, निकलसन कॉलम है। तो इसकी काफ़ी लंबाई है, ऑलमोस्ट ये तकरीबन 100 फुट के करीब इसकी हाइट होगी। तो अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये पहाड़ी के सर पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से इतना एक अच्छा ओवरव्यू है कि आप चारों साइड से आपको मरगला पहाड़ी सिलसिला सारा, बैक साइड पे एक दो इस्लामाबाद के सेक्टर्स लगते हैं, B-17 D-17 वगैरह, वो टोटल ऊपर से आपको सारा नज़र आता है। तो जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था, इसके ऊपर चढ़ कर जो एक फौजी जवान था वो देखता था कि काफिला कौन सा आ रहा है, कौन सा जा रहा है, और नीचे फिर जो ब्रिगेडियर जनरल था निकलसन उसको इन्फॉर्म करता था। तो बेसिकली ये अपने मकसद में, अपना मकसद पूरा करने के लिए एक बेहतरीन उस वक्त का एक अजूबा था, ज़राया ब्लॉग था। तो इस वक्त एक तो इसकी काफ़ी हाइट है जहाँ पर हम आए हैं, तो ठीक ठाक ऊँचाई पर ये मौजूद है। बाकी आपको इसको दिखाते हैं क्लोज से, और इसकी बनावट कुछ इस तरह की है, ये बड़े बड़े जो है तकरीबन ब्लॉक्स वगैरह, पत्थर के सॉलिड ब्लॉक्स हैं, उनसे ये तमीर किया गया है थ्रू आउट, ऊपर तक इसकी एक जैसी इसकी तमीर है, और ये बीच में एक सीढ़ी सी दी गई है, अंदर भी थोड़ा सा जो इसके अंदर है वो भी आपको हमने दिखाया है। ये सामने आप देख रहे हैं जीटी रोड गुजर रहा है, और इतनी हाइट पर मौजूद है कि ये सामने जब काफ़िले आते थे तो आसानी यहाँ से देखा जा सकता था कि मेन शाहराह पर कौन आ रहा है। तो व्यूवर्स, मज़ीद कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये अंदर एक छोटा सा रूम हमें नज़र आया है, इसके अंदर तमीर किया गया है, और इसके अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर थोड़ी सी तारीख के बारे में लिखा गया है, जो इसका जर्नल था या जो इसकी तमीर के बारे में, उसका सन और जो इसका इंचार्ज था उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। और इसके अलावा आपको अंदर एक सीढ़ी नज़र आ रही होगी जो कि मेटल की है, और इस सीढ़ी के थ्रू ये ऊपर जाया जाता था इसके टॉप पर, ताकि आसानी नज़र रखी जा सके मेन शाहराह पर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो मज़ीद व्यूवर्स, आपने देखा ही होगा इसकी तमीर बहुत ही शानदार तरीके से की गई है, और बड़े बड़े ब्लॉक्स को तमीर किया गया है, और काफ़ी ऊंचा बनाया गया है, और आज भी अपनी असली हालत में खड़ा है, कहीं पे भी इसको कोई क्रैक्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक हालत में ये मौजूद है। तो मज़ीद व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं पहाड़ियाँ, मरगला का पहाड़ी सिलसिला, और हम भी अभी एक चोटी पर ही मौजूद हैं। ये तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का व्लॉग। व्यूवर्स, ये था फाइनली निकलसन कॉलम, निकलसन रूम आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, बैकग्राउंड में काफ़ी हाइट पर मौजूद है, आपको पहले बता चुके हैं। तो बेसिकली अब तो सिर्फ एक ये अजूबा बन के रह गया, लोग आते हैं देखते हैं, और जितनी ये हाइट पर हर बंदे से आया भी नहीं जाता, काफ़ी हाइट पर मौजूद है। तो व्यूवर्स, पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।